अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और फिर आज मामा आज फिर से अपना खाना बना रही थी, तो उसको मैंने कुछ रिकॉर्ड किया कि आई विल शेयर विद यू पीपल, जिसमें मामा आज चिकन एंड गोभी बना रही थी, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। मगर आई डिड नॉट रिकॉर्ड द एंटायर प्रोसेस, क्योंकि मुझे पता है कि ये थोड़ा बेसिक है, आप लोगों को आता ही होगा। तो मैंने उसमें बस आप लोगों को यही दिखाया था, क्योंकि रेडी हो रहा है तो मैंने सोचा इसको भी मैं थोड़ा अपनी वीडियो में ऐड कर लेती हूँ। बिकॉज़ फूड के बारे में ये है कि काफ़ी लोग जो है ना, उनको हंग्री फील होने स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद आज जो है फाइनली आज बारिश हो ही गई। तो क्योंकि मुझे काफ़ी इंतज़ार था कि मैंने कहा इस बार क्यों बारिश नहीं हो रही, तो व्हाट इज़ द रीज़न, लेकिन फाइनली आज बारिश हो गई है। आप लोग देखें, इतना प्यारा मौसम था, ओह माय गॉड, इतना खूबसूरत ब्लू स्काई, वो बहुत क्यूट लग रहा था। आप लोग चेक करें वेदर, यहाँ पे 7 बज रहे हैं और आप लोग वेदर देखें, इतना प्यारा है, स्काई इतना अमेजिंग लग रहा था, बिल्कुल जस्ट लाइक द मूवीज, बिल्कुल मूवीज वाली वाइब आ रही थी। और आप लोग क्लाउड को देखें, इतना चेंज लग रहा था, वैसे बिल्कुल टोटली डिफरेंट होता है, लेकिन आज बहुत ही अलग लग रहा है। कॉन्स्टेंटली हो रही थी, मगर हल्की हल्की बारिश थी, ये नहीं था कि एकदम तेज़ हो जाए, क्योंकि वैसे होता यही है कि कराची में एकदम तेज़ बारिश हो जाती है। उसके अलावा अब भूख भी काफ़ी लग रही है और आज बिरयानी की बहुत क्रेविंग हो रही थी, क्योंकि बहुत टाइम से बिरयानी नहीं खाई है, तो सोचा कि आज बिरयानी ट्राई करते हैं। लेकिन ये बारे रेस्टोरेंट में पता किया, यहाँ पे कोई बिरयानी नहीं होती। सो फाइनली एक जगह मिली काफी देखने के बाद फेज 2 में, वो बहुत ही मज़ेदार उसकी बिरयानी है और काफी मजा आया वो बिरयानी खा के, और जो क्रेविंग थी ना, ओह माय गॉड, वो बिल्कुल पूरी हो गई। उसके बाद लुक एट दिस कि एला ने क्या किया है। अच्छा, एला गई थी ऊपर मेरी आंटी के घर पे और वहां से वो इतनी क्यूट से नेल लेकर आई जो उन्होंने उसको गिफ्ट किए थे, तो शी वाज सो हैप्पी कि मुझे फाइनली बड़ों वाले नेल्स मिल गए, और वो पहनकर बहुत एक्साइटेड फील कर रही थी और मैंने उसको पहनाए एंड शी वाज सो हैप्पी विद दीज नेल्स। तो उसको इतने अच्छे लगे और वो कह रही थी कि बस अब ये मेरे नेल पर स्टिक हो जाए और बस उनको मैं हर टाइम पहन के रखूँ। तो गाइज आप लोग क्लाउड्स देखें, वेदर देखें, इट्स सो ब्यूटीफुल। उसके अलावा आज एक पार्सल आया था सफायर से, तो मैंने सोचा इसको भी अनपैक करती हूँ विद यू गाइज, आप लोग भी देख सकें ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। सो दिस वन इज़ 2-पीस और ये ब्लैक में है और ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा, तो इसको लेट्स स्टार्ट कि हम इसको अनपैक करते हैं। आई मीन कि कंट्रास्ट में है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है ना, मुझे थोड़ा आउट लग रहा है इसका दुपट्टा, क्योंकि इसके बॉर्डर्स हैं, लेकिन फिर भी किस तरह की इसमें कपड़े आए हैं। अच्छा, आज जो है ना, इसके अंदर काफ़ी अच्छे प्रिंटेड मैच नहीं लग रहा, तो आप लोग भी देखें और फिर मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों को ये मैच लग रहा है या मुझे ही ऐसा लग रहा है। सो गाइज, हियर इज़ अनदर वन, अभी इसको मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये भी बहुत प्यारा, इसका कलर बहुत क्यूट है, क्योंकि समर में हमें इस टाइप के कलर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं, लाइक लाइट कलर्स भी हों जिसमें ड्रेसेस हैं, जो कि आपको गो टू वेयर होता है ना, कभी भी बंदा पहन लेता है, डेली वेयर के लिए चाहिए होता है आपको, और कुछ कुछ डार्क भी होता है, उसका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। और इसका दुपट्टा, ये भी 2-पीस ड्रेस है, लॉन का है, शर्ट विद दुपट्टा, लेकिन इसका दुपट्टा अभी आउट है, जो कि शर्ट में इतना कुछ नहीं, लेकिन ये इसके साथ बहुत क्यूट लग रहा है। मुझे इस टाइप के दुपट्टे ना बहुत अच्छे लगते हैं, और इस पे बस एक छोटे छोटे से बॉर्डर्स दिए हुए हैं जो कि इसके साथ मैच कर रहा है, तो इसके साथ ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका कलर बहुत ज़्यादा क्यूट है और ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा यही लगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को और दिखा रही हूं, इसका फैब्रिक इतना प्यारा है, दुपट्टे का वेरी लाइट वेट फैब्रिक, क्योंकि ये वॉयल दुपट्टा है, तो ऑब्वियसली आप लोगों को आइडिया होगा ही कि वॉयल किस तरह का होता है। सो हियर इज़ द मॉडल पिक्चर, जिसको आप लोग देखें और फिर इस तरह की इसकी लुक होने वाली है। और अब आप लोग ये वाला देखें, ये भी इतना क्यूट है, इसके कलर्स बहुत ज़्यादा ही प्यारे हैं और इतना क्यूट सा, ये रेडिश तो नहीं था, आई थिंक थोड़ा सा चेंज कलर है, इसका रेड नहीं है, मगर काफ़ी अच्छा ऑरेंज प्लस रेड को मिक्स करके जो एक शेड बनता है ना, ये वो वाला कलर है एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुल, मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा। ये इसकी एम्ब्रॉयडरीज थी और इसकी नेक बहुत क्यूट है, जो आजकल बहुत चल रही है ना, जिस तरह की हम देखते हैं ब्रांड्स एथनिक पे काफ़ी ज़्यादा होती हैं और डिफरेंट और भी मारिया बी पे भी होती हैं। तो आप लोगों को इसका दुपट्टा देखें, ओ माय गॉड, दिस दुपट्टा इज जस्ट अमेजिंग, दिस दुपट्टा इज सो गॉर्जियस, इतना प्यारा इसका दुपट्टा है। फिर इसके साथ भी ना, मैं सोच रही थी कि ऐसा ना हो कि आउट हो जाए दुपट्टा, मगर नहीं, इसके जो बॉर्डर्स है ना, उस पर ये शर्ट वाला प्रिंट थोड़ा सा ब्रॉड करके दिया हुआ है, ताकि ये इससे मैचिंग लगे और ये बहुत प्यारा आउटफिट है। आई एम जस्ट लविंग एवरीथिंग अबाउट दिस वन।
इसके बाद ये वाला आप लोग देखें, ये भी बहुत अच्छा है। पहले मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसकी नेक बहुत प्यारी है। इसकी एम्ब्रॉयडरी उस तरह से जैसे बलोची ड्रेसेस पे एम्ब्रॉयडरीज होती है ना, सेम उस टाइप की एम्ब्रॉयडरी है, तो काफ़ी क्यूट है, पतली सी। इसके साथ ये बॉर्डर भी दिया हुआ है और इसका एक नेक लाइन है वो भी दिया हुआ है। और ये देखें इसका ये दुपट्टा है, दुपट्टा इज सो ब्यूटिफुल। शर्ट भी अच्छी है मगर उसकी प्रिंट्स काफ़ी छोटे छोटे हैं, मगर दुपट्टा बहुत प्यारा है। सो गाइज ये वाला देखें, दिस वन इज़ द लास्ट वन, और ये भी कितना अच्छा है। इसके कलर्स बहुत प्यारे हैं, लेकिन स्पेशली इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है, और ना इसके अंदर जो प्रिंट्स है ना उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके अंदर भी बॉर्डर्स दिए हुए, वेरी लाइट वेट फैब्रिक है इसका भी, तो वॉयल दुपट्टा है। दिस कलर इज़ वेरी गॉर्जियस। ये कलर आप लोग देखें, ये समर में ना आजकल वैसे भी काफ़ी चल रहा है, इन भी है, और ये पहन के भी बहुत अच्छा लगता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ड्रेसेस। आई होप कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे क्योंकि कि काफ़ी क्यूट है, और आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों को इनमें से कौन सा अच्छा लगा। एंड अभी चाय पीने का बहुत दिल चाह रहा था, उसकी भी क्रैविंग हो जाती है, जैसे ही शाम होती है तो चाय पीने का बहुत दिल चाहता है। फिर मैंने अभी कहा कि मैं चाय बना लेती हूँ, और वैसे भी काफ़ी मेरी ऑडियंस में कुछ लोग थे जो कि चाय को काफ़ी मिस कर रहे थे कि वीडियो में नहीं आ रही है, दे वर मिसिंग। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ आज फिर चाय का भी वीडियो शेयर किया जाए, ताकि आप लोगों को भी क्रैविंग स्टार्ट हो जाए एंड आप लोग भी जल्दी से जाएँ और बनाएँ और पिए। तो अभी देखें ना, यहाँ पर जो इसका कलर है ना, बिल्कुल माय टाइप कलर है, और बस अब इसको कप्स में डाल लेते हैं जल्दी से, और फिर पियेंगे विद सम केक एंड स्नैक्स। उसके अलावा आप लोग बताएं कि आप लोग गर्मियों में कितनी बार चाय पीते हैं, क्योंकि आई नो कि जो चाय लवर होते हैं वो लोग चाय किसी भी मौसम में उसको नहीं छोड़ सकते। सो फ्रेंड्स, इट वाज ऑल अबाउट द डे। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो बहुत लाइक करें एंड कॉमेंट करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।